लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर गुरुवार को समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय से जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाला गया, जो शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए गोलघर स्थित काली मंदिर चौराहे पर स्थित सरदार पटेल की मूर्ति पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और प्रख्यात समाजवादी चिंतक आचार्य नरेंद्र देव की जयंती है। समाजवादी पार्टी गोरखपुर की इकाई ने इन अपने दोनों महापुरुषों को श्रद्धासुमन अर्पित किया है और पटेल जी के याद में उनके जयंती को भव्य बनाने के लिए उनकी मूर्ति तक 1 किलोमीटर का मार्च रखा गया था, सद्भावना मार्च। माननीय पटेल जी अपने जीवन काल में स्वतंत्र भारत में 565 रियासतों को एक करने का काम किए थे। भारत को एक ऐसे गणराज्य के रूप में उन्होंने दिया था कि जिस आज़ादी को लेकर के हम लोग इतराते हैं, ऐसे पटेल जी को समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।